गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम अगेन। बच्चों, आज की वीडियो हमारी लेसन 5 का जो लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा टॉपिक आज है मध्य प्रदेश। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इट इज इन द हार्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है? ये भारत के दिल में है, यानी कि सबसे बीच में। आपको मालूम है ना, मध्य प्रदेश, हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो एकदम बीचों बीच है, बीच में एकदम है मध्य प्रदेश। तो इसको हम क्या कहेंगे? भारत का दिल, यानी भारत का हृदय। इट्स कैपिटल इज भोपाल। इसका जो कैपिटल है या राजधानी कौन सी है? भोपाल है। द ब्लैक सॉयल ऑफ द रीजन इज गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन, ज्वार, बाजरा एंड टोबैको। और यहाँ की जो सॉयल है, यानी काली मिट्टी है, इस क्षेत्र की जो काली मिट्टी है वो कपास, ज्वार, बाजरा और तंबाकू उगाने के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ की काली मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और वो हमारे इन सब फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड बीडी रोलिंग फैक्ट्रीज। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं, आज इस राज्य में रहने वाले जो अधिकांश लोग हैं, वो या तो खेती करते हैं या बीडी रोलिंग के कारखानों में काम करते हैं। बीडी बनाने, जो बीडी बनती है उसको रोलिंग करने के कारखानों में काम करते हैं यहाँ के लोग। क्या क्या करते हैं वो? या तो फार्मिंग या फिर बीडी रोलिंग फैक्ट्री में काम करते हैं। मैनी ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इन माइंस विच आर रिच इन कोल, आयरन, माइका, बॉक्साइट, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। और हमारे जो कई तरह की यहाँ पर एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो किस किस चीज के अंदर करते हैं? जो माइंस होती हैं उसके अंदर कोयला है, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर, ये जो समृद्ध कारखानों में वो लोग ज्यादा एम्प्लॉय, यानी काम करते हैं, कार्यरत हैं। एम्प्लॉय मतलब वहाँ पर जो काम करते हैं, तो इन फैक्ट्रियों में ज्यादा काम करते हैं। वो कौन कौन सी फैक्ट्रीज मैंने आपको बताई? कोल, आयरन, माइका, बॉक्साइट, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। पन्ना इज फेमस फॉर डायमंड माइंस। और यहाँ पर पन्ना नाम का एक हीरा होता है, वो खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर पाया जाता है। पन्ना जो हीरा है, पन्ना एक डायमंड है, वो यहाँ पर खानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स फॉरेस्ट रिजर्व्स। और जो मध्य प्रदेश है वो किसके लिए फेमस है बच्चों? और जो यहाँ के अपने जो वन भंडार के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत अच्छा वन, मतलब बहुत अच्छा जंगल वन है यहाँ पर, उसके लिए भी फेमस है। इट हैज फेमस नेशनल पार्क लाइक कान्हा एंड बांधवगढ़। और जो यहाँ का एक पार्क, नेशनल पार्क है, उसका नाम है, एक तो कान्हा है और दूसरा है बांधवगढ़, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है। पीपल हियर हैव देयर ओन ड्रेस कोड एंड कल्चर। यहाँ के लोगों का जो अपना ही एक ड्रेस कोड कल्चर है। पीपल इन अर्बन एरियाज वियर कुर्ता पजामा विथ ए टर्बन और कैप। यहाँ के लोग हैं वो क्या पहनते हैं? शहर के जो लोग हैं वो पगड़ी और टोपी या उसके साथ कुर्ता पजामा पहनते हैं। बल्कि और जो वहाँ की जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? द वुमेन वियर साड़ीज। और औरतें क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं। देयर स्टेपल डाइट इंक्लूड्स राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। देयर स्टेपल डाइट इंक्लूड्स राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। ये लोग क्या खाते हैं? मुख्य आहार क्या है इनका? चावल, दालें और सब्जियां आदि ये ज्यादा खाते हैं। क्या क्या खाते हैं इनके मुख्य भोजन क्या है इनका? चावल, दालें, सब्जियां, ये आदि ज्यादा ये लोग यूज करते हैं। इंदौर एंड ग्वालियर आर इम्पोर्टेंट सिटी। और इंदौर और ग्वालियर ये बहुत यहाँ की मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सिटीज हैं, यानी बहुत इम्पोर्टेंट सिटीज हैं। द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस आर द ग्वालियर फोर्ट, सांची स्तूपा एंड खजुराहो टेम्पल ETC। जो यहाँ के मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि जो पर्यटन स्थल है, वो कौन कौन से हैं? ग्वालियर का जो किला है, सांची स्तूप और खजुराहो के मंदिर, ये यहाँ पर टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कौन कौन सा है? ग्वालियर फोर्ट, सांची स्तूप एंड ग्वालियर का किला, सांची स्तूप एंड खजुराहो टेम्पल, खजुराहो के मंदिर आदि यहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे।
छत्तीसगढ़ वाज फॉर्मली ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी क्या है एक मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा, मतलब था छत्तीसगढ़ भी। इट कंटेन्स द अपर बेसिन ऑफ द महानदी रिवर, और इसमें महानदी जो रिवर है उसका ऊपरी बेसिन शामिल है, मतलब इसमें महानदी का ऊपरी जो बेसिन है वो शामिल है। फार्मिंग इज आर मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ पे भी खेती इनका मेन ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय है, खेती यहाँ पर ज्यादा करते हैं। एंड लिंड सीड, बेटल नट्स, वाटर मेलन एंड राइस आर ग्रोन हियर, और यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, एक तो अलसी देखी आपने, और सुपारी, बेटल नट्स को बोलते हैं सुपारी, और जो तरबूज है, राइस है, ये यहाँ पर ज्यादा उगाया जाता है। राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़, और सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है राइस, छत्तीसगढ़ का सबसे मुख्य है राइस, जो फसल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फसल है राइस। छत्तीसगढ़ इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और छत्तीसगढ़ किसके लिए भी संसाधनों में बहुत समृद्ध है, यानी जो खनिज संसाधन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। इंडियाज मेजर कोल माइंस एंड स्टील मिल्स आर इन द रीजन, और यहाँ पर क्या है, भारत की जो प्रमुख कोयला खदाने हैं और इस्पात की जो मिले हैं इसी क्षेत्र में है। कौन कौन सी, कोयला की जो खाने और इस्पात की मिले, ये भी यहाँ पर ज्यादा है। भिलाई स्टील प्लांट इज वन ऑफ देम, और जो भिलाई का जो इस्पात संयंत्र है जो यहाँ पर एक है, उनमें से एक है भिलाई स्टील प्लांट। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो रायपुर है। ओके, अदर इम्पोर्टेंट सिटीज आर दुर्ग, कोरबा एंड बिलासपुर, बस्तर। रीजन इज इनहेबिटेड मोस्टली बाय ट्राइबल्स, और यहाँ के रायपुर की जो अन्य महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं, दुर्ग, कोरबा और कौन सा है, बिलासपुर, बस्तर। ये क्षेत्र अधिकतर बसा हुआ है किसके द्वारा, आदिवासियों के द्वारा। ओके, तो ये है हमारा लेसन पूरा हो गया बच्चों यहाँ पर आज, और ये फिफ्थ लेसन कंप्लीट कर दिया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में, जब सैटरडे को आपको पीडीएफ मिलेगा उसके अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग एक बार और से पढ़ लें और उसको समझ लें। और आज तक इतना ही, मिलते हैं बाद में, टेक केयर, बाय।